हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भी जो 7 क्रिस्टल समूह होते हैं उसके मापन के पैरामीटर क्या कुछ होते हैं और ब्रेविज अलग के बारे में पढ़ा था। आज अपने पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है सॉलिड स्टेट का, वो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास निबिड संकुलन। टॉपिक है निबिड संकुलन, ठीक है। निबिड संकुलन क्या होता है? क्लोज पैकिंग, ठीक है। निबिड संकुलन के अंदर ये चीज आती है कि देखिए, जैसे कोई भी अपने पास ठोस है, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, उस ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे के साथ नजदीक स्थितियों पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कहने का मतलब एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक होते हैं। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? निबिड संकुलन या क्लोज पैकिंग बोलते हैं। कहने का मतलब कि किसी भी ठोस में उसके अवयवी कण एक दूसरे से निकटतम दूरी पर स्थित होते हैं, उसको हम बोलते हैं निबिड संकुलन या क्लोज पैकिंग। देखिए, ये क्लोज पैकिंग कितने प्रकार की होती है? तो ये क्लोज पैकिंग होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ध्यान से समझना इस बात को कि जैसे मान लीजिए अपने पास कोई ठोस है और उस ठोस के अवयवी कण मान लीजिए ये इस प्रकार से व्यवस्थित है, ठीक है। ये ठोस के क्या हो गए? अवयवी कण। ये केवल और केवल एक डायमेंशनल के अंदर है, यानी एक दिशा के अंदर है, इस तरीके से प्रेजेंट है। इसको हमने एक्स एक्सिस बोल दिया, तो इसको हम नाम देते थे 1D। 1D का मतलब हो गया 1 डायमेंशनल, यानी एक विमीय निबिड संकुलन। कहने का मतलब एक विमीय निबिड संकुलन हो गया ये। अब देखिए, इसके ऊपर कोई हम ठोस के जो अवयवी कण है उसको इस तरीके से व्यवस्थित कर देते हैं, तो ये एक्स एक्सिस पर भी हो गया और ये वाई एक्सिस पर भी हो गया, तो इसका नाम देते हैं अपने 2D, 2 डायमेंशनल, यानी कहने का मतलब द्विविमीय निबिड संकुलन। लेकिन इसी को अगर हम इसके आगे पीछे कहीं भी रख देते हैं, ठोस के अवयवी कणों को मान लीजिए इसके पीछे की साइड रख दिया या आगे की साइड रख दिया, तो उसके अंदर तीनों विमाएं आ गई, जिसको हमने जेड एक्सिस के नाम से बोल दिया, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? 3D। कहने का मतलब क्या हो गया? ये त्रिविमीय। कहने का देखो, हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब ठोस के अवयवी कण एक दिशा में उपस्थित हो तो एक विमीय, दो दिशाओं के अंदर हो, एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई हो गया, तो द्विविमीय, और तीनों दिशाओं में यानी आगे पीछे, जिसके अंदर लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई तीनों हो, उसको हमने क्या बोल दिया? त्रिविमीय। तो इसी के आधार पर आप समझ गए होंगे कि निबिड संकुलन है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, और कौन कौन से प्रकार हो गए? एक विमीय निबिड संकुलन, द्विविमीय निबिड संकुलन और त्रिविमीय निबिड संकुलन, ठीक है। अब हम इनको अलग अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने हेडिंग लगाएंगे एक विमीय निबिड संकुलन की। तो देखिए, एक विमीय निबिड संकुलन क्या होता है? एक विमीय निबिड संकुलन, ठीक है, एक विमीय निबिड संकुलन। तो एक विमीय निबिड संकुलन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया जैसे कि जब अपने पास कोई भी एक ठोस है और उस ठोस के अवयवी कणों को हम एक दूसरे से बिल्कुल स्पर्श कराते हुए, एक दूसरे के निकटतम दूरी के ऊपर रखते हैं, तो उसको बोलते हैं एक ही दिशा के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक विमीय निबिड संकुलन। किस प्रकार से बनता है? तो जो डेफिनेशन लिखी है यही उसके बनने का तरीका हो गया। फिर दूसरी चीज, इसके अंदर आपको एक बतानी होती है समन्वय संख्या। क्या बतानी होती है? समन्वय संख्या, या फिर इसी का दूसरा नाम उपसहसंयोजन, उपसहसंयोजन संख्या बोल देंगे इसको अपने, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसके अंदर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसमन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है? तो यहाँ पे
कोई भी एक गोले को अपने चूज करते हैं, जैसे ये एक सफियर है, ये गोला है, उसको हमने चूज कर लिया, इसको अन्य कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, तो एक तो ये वाला कर रहा है और एक ये वाला कर रहा है, तो टोटल गोलों की संख्या कितने स्पर्श कर रहे हैं, दो स्पर्श कर रहे हैं, तो इसकी समन्वय संख्या क्या होगी, दो होगी। यानी समन्वय संख्या को डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे कि किसी ठोस में उपस्थित एक अवयवी कण को अन्य स्पर्श करने वाले गोलों की जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या बोलते हैं, ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, ये पहली चीज, इसको बढ़ाएंगे कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दूसरी समन्वय संख्या कितनी होती है और समन्वय संख्या को कैसे हम डिफाइन करेंगे। दूसरा अपने पास आता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन का मतलब हो गया टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। देखिए क्या कुछ होता है इसके अंदर, हम किस तरीके से बताएंगे कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है। मैंने आपको पहले बताया था एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, यानी कहने का मतलब ठोस के अवयवी कणों को हम दो दिशाओं के अंदर अरेंज करेंगे। पहले आप देखिए, इसको ध्यान से समझिए, उसके बाद में बताऊंगा मैं आगे आपको कि मेरे पास ये ठोस के अवयवी कण है और मैंने ठोस के अवयवी कणों को इस तरीके से एक दिशा के अंदर रख दिया, फिर मैंने इसके ऊपर या नीचे दूसरी दिशा के अंदर भी अरेंज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से अरेंज कर दिया हमने इनको, ये टू डायमेंशनल के अंदर हो गया। एक तो देखो, इसको हम इस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। अब देखो, ये वाली सबसे नीचे वाली जो लेयर है इसका केंद्र बिंदु ये है, इसके ऊपर जो ये लेयर है इसका केंद्र बिंदु ये है, इन दोनों के केंद्र एक ही रेखा में उपस्थित है, इसको बोलते हैं एक ही रेखा में उपस्थित होने को हम क्या बोलते हैं, सरेखित। क्या बोलते हैं, सरेखित। इस नाम को ध्यान रखना, जब डेफिनेशन लिखेंगे अपने तो काम आएगी। ठीक है, तो अगर मैं इस लेयर का नाम दे देता हूं कि ये परत जो है वो परत है ए परत, तो इसका केंद्र एक सीध में, यानी कहने का मतलब सरेखित है, तो इस परत का नाम भी क्या हो गया, ए हो गया, और इस परत का नाम भी क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर अक्सर आपको पूछा जाता है कि ये पैटर्न कौन सा है, तो पैटर्न कौन सा हो गया, ए ए ए पैटर्न हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज कि जरूरी नहीं है कि टू डायमेंशनल के अंदर या द्विविमीय के अंदर जो पहली परत के ऊपर दूसरी परत इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि उनके केंद्र परस्पर संरेखित हो, ये चीज आवश्यक नहीं है। कैसे आवश्यक नहीं है, कि दूसरी परत के गोलों को मैं प्रथम परत के बीच में जो खांच बनी हुई है यहाँ पे रख दूं। जैसे इस बात को यहाँ पे देखो आप, जैसे मेरे पास पहली परत ये है, ठीक है, अब दूसरी परत के गोलों को मैं यहाँ पे रख देता हूँ इस तरीके से। कैसे रख दिया, समझ में आया, ठीक है, इस तरीके से रख देते, दूसरी परत के गोले प्रथम परत के कहाँ पे आ गए, खांचों के अंदर बीच में जो खाली जगह है वहाँ पे आ गए। तो इस परत का नाम देता हूँ मैं ए परत है, तो क्या इसका इसका केंद्र संरेखित है, नहीं, तो इस परत का नाम क्या देंगे, बी देंगे। इसी तरीके से इसका केंद्र फिर आपस में क्या हो गया, एक ही दिशा एक ही रेखा के अंदर हो गया, तो इसका नाम ए, और फिर इसके ऊपर एक लेयर और आएगी, फिर इसके ऊपर और लेयर आएगी, तो यहाँ पे जो पैटर्न बन गया वो कौन सा बन गया, ए बी पैटर्न बन गया। ठीक है, अब अपने बात करते हैं समन्वय संख्या की, तो यहाँ पर समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो किसी भी एक गोले को आप चूज करिए, ये गोले को चूज कर लिया, इसके संपर्क में जो अन्य गोले हैं उनके केंद्रों को मिलाइए, उनके संपर्क में जो अन्य गोले हैं उनको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो ये किस प्रकार की स्ट्रक्चर बनी, ये एक वर्गाकार स्ट्रक्चर बनी है, वर्गाकार संरचना बनी है। ठीक है, तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन के अंदर देखिए ये स्ट्रक्चर यहाँ पे वर्गाकार बन गई, और इसको कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, चार गोले स्पर्श कर रहे हैं, तो समन्वय संख्या कितनी होगी, चार। इसी तरीके से आप इसके अंदर देखें तो एक गोले को लीजिए आप, जैसे इस गोले को ले लिया, इनके
साथ संपर्श करने वाले अन्य गोले के केंद्रों को मिलाइए। ये स्पर्श करने वाले अन्य गोले हैं जो सभी इसको स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगी। अब यहां पर समन्वय संख्या कितनी आई, यहां पे समन्वय संख्या कितनी आती है, तो यहां पे समन्वय संख्या कितनी आती है, 6 आती है। इस गोले को स्पर्श करने वाले गोलों की संख्या कितनी है, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये एक दूसरे को परस्पर स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सी बनी, वर्गाकार, और यहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर बनी है, षटकोणीय। तो हम बोल सकते हैं कि द्विविमीय निबिड संकुलन है वो कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। और कौन कौन से 2 प्रकार का होता है, तो इसके अंदर बेटा पहला आ गया द्विविमीय, द्विविमीय वर्ग निबिड संकुलन या वर्गाकार निबिड, वर्ग निबिड संकुलन ही लिख देते हैं, वर्ग निबिड संकुलन। ठीक है, ये वर्ग निबिड संकुलन बन गया। दूसरा इसी के अंदर अगर आप देखें तो इसका नाम क्या हो गया, फिर आप खुद लिख सकते हो इस बात को। तो कितनी विमाओं के अंदर है, ये 2 विमाओं के अंदर है। तो द्विविमीय षटकोणीय, कैसी स्ट्रक्चर बनी है, षटकोणीय। तो द्विविमीय षटकोणीय निबिड संकुलन, तो ये बनता है इस तरीके से। अब आपको अगर पूछ ले पेपर के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर आ जाए कि द्विविमीय वर्ग निबिड संकुलन कैसे बनता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ध्यान से सुनना इस बात को और लिख लेना कि जब प्रथम परत के गोलों पर दूसरी परत के गोलों को इस प्रकार रखते हैं कि इनके केंद्र परस्पर संरेखित हो। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को क्या प्राप्त होता है, द्विविमीय वर्ग निबिड संकुलन। इसी चीज के अंदर अगर आपसे पूछे कि द्विविमीय षटकोणीय निबिड संकुलन कैसे बनता है, तो कैसे बनता है कि जब प्रथम परत के गोलों पर द्वितीय परत के गोलों को इस प्रकार रखते हैं कि द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों पर बनी खांचों के या रिक्तियों के मध्य आ जाए, तो इस प्रकार अपने पास क्या बनता है, द्विविमीय षटकोणीय निबिड संकुलन। जो लाइन मैंने बोली है उसको रिपीट करवा के और दोबारा से आप अपने नोट्स के अंदर लिख लेना। तो ये अपने पास एक विमीय निबिड संकुलन हो गया और ये हो गया द्विविमीय निबिड संकुलन। अब तीसरा जो प्रकार बच गया वो बच गया त्रिविमीय निबिड संकुलन। तो नेक्स्ट अपने हेडिंग लगाते हैं, त्रिविमीय निबिड संकुलन, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। त्रिविमीय निबिड संकुलन के अंदर क्या चीज आएगी, देखो त्रिविमीय निबिड संकुलन के अंदर 3 दिशाओं के अंदर अपने रखेंगे। तो देखिए अपने इसी चीज को यहां पे रिपीट करते, एक बार लिखना मत, इसको आप पहले समझ लेना उसके बाद में लिखना। देखो अगर हम इसको ढंग से समझे तो त्रिविमीय में पहले चीज देखो, इसको लेकर चलते हैं इस वाले पैटर्न को। मान लीजिए मैंने इस तरीके से अवयवी कणों को या ठोस के गोलों को इस तरीके से अरेंज किया, ये कितनी विमाओं के अंदर है, ये 2 विमाओं के अंदर है, एक्स और वाई एक्सिस। तीसरी विमा के अंदर अगर हमें इन गोलों को रखना है, सफियर्स को रखना है, तो इस तरीके से हम इनको रखेंगे। जो पीछे वाली लेयर है वो अपने को इस तरीके से दिखाई देगी। इनको बनाना सीखना, 2-4 बार बनाओगे रफ कॉपी के अंदर अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगी ये। ठीक है, इस तरीके से ये अपने पास त्रिविमीय निबिड संकुलन आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगी। अब इसके अंदर देखो आप क्या स्ट्रक्चर बनती है, तो सबसे पहले अपने पैटर्न की बात करते हैं। तो इसके केंद्र आपस में मिल रहे हैं,
और तो ये लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये लेयर है पीछे की तरफ। अब पीछे की तरफ लेयर है, परंतु इनके केंद्र है ना, वो आपस में एक दूसरे से मेल खाते हैं। अभी हमने क्या किया है, जो द्विविम या वर्ग निबिड संकुलन है ना, उसके आगे जैसी ये परत है वैसी के वैसी परत इसके आगे रख दी, वैसी की वैसी परत इसके आगे रखते चले गए, जैसे ईंटों का चट्टा बनाते हैं अपने। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका इसका केंद्र आपस में मिल रहा है, इसका केंद्र भी आपस में मिल रहा है। तो ये अगर लेयर ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और इसके आगे वाली परत या पीछे वाली जो परत है वो भी ए ए होगी। तो पैटर्न वापस से वहीं पर आ जाता है, ए ए ए पैटर्न होता है। कौन सा पैटर्न होगा? ए ए। और फिर बात करते हैं हम किसकी, समन्वय संख्या की बात करते हैं। तो समन्वय संख्या कितनी होगी, आप इस गोले को लेके चलो, इस गोले को कितने अन्य गोले स्पर्श कर रहे हैं, तो एक दो तीन चार, और एक इसके आगे है और एक इसके पीछे है, तो समन्वय संख्या कितनी आ गई? छः। कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये कोने वाले नहीं, ये कोने वाले स्पर्श नहीं करते, आप इसको बढ़ा के देख सकते हो, बोल लेकर बढ़ा के देख सकते हो। अब देखिए इनके जो समन्वय संख्या छः है, उन छः सभी गुणों के केंद्रों को मिलाएंगे तो स्ट्रक्चर किस तरीके की मिलेगी? चारों को तो इनको मिलाएंगे अपने, और एक इसके आगे है तो इस गोले को सभी के साथ में मिलाएंगे, समझ आई बात? और पीछे है उसी को मिलाएंगे। तो उससे बेटर ये है कि आप कोने वाले को मिला लो, जैसे यहाँ पर इस तरीके से, ये चार आगे, इसके पीछे वाला कहाँ पे है? यहाँ पर, इसके पीछे वाला यहाँ पे है, ठीक है, इसके पीछे वाला यहाँ पे और यहाँ, ये वाला गोला इसके पीछे हो गया, ये इसके पीछे, ये इसके पीछे, ये तो इसके पीछे कौन सा हो गया? यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। उसको हम कैसे मिलाएंगे? इस तरीके से मिलाएंगे, इस तरीके से, समझाई बात? तो ये अपने पास क्या बन गया, एक घन। यानी कहने का मतलब इसके अंदर हमने क्या बनाया है, त्रिविमीय घनीय निबिड संकुलन। कैसा बनाया है? त्रिविमीय घनीय निबिड संकुलन बनाया है हमने, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, एक ये आया हुआ है और एक ये आया हुआ है, जिसके अंदर आपको एक तो इनकी स्ट्रक्चर बनानी पूछी है, पैटर्न पूछा है, और समन्वय संख्या पूछी है। किस प्रकार बनते हैं वो जैसे ही आप बनाना सीख जाओगे इनको, तो अपने आप लिख सकते हो। ये बोर्ड एग्जाम में और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ये दोनों चीज़ें। तो देखिए इसको नेक्स्ट, इसके अंदर है क्या कि हमने जो त्रिविमीय घनीय निबिड संकुलन है उसको बनाया किस प्रकार है। तो किस प्रकार बनाया हमने? द्विविमीय वर्ग निबिड संकुलन है ये है, इसके आगे हमने इसी प्रकार की लेयर रख दी, दूसरी रख दी, तीसरी रख दी, चौथी रख दी, या पीछे की ओर रख दी। तो हमने द्विविमीय वर्ग निबिड संकुलन से क्या बनाया है? त्रिविमीय घनीय निबिड संकुलन। तो आपकी सबसे पहले हेडिंग जो क्या होगी वो ये होगी कि द्विविमीय वर्ग निबिड संकुलन से त्रिविमीय घनीय निबिड संकुलन बनाना, त्रिविमीय घनीय निबिड संकुलन बनाना, ठीक है। तो अगर आपसे ये बात पूछे कि त्रिविमीय घनीय निबिड संकुलन कैसे बनता है, तो इसके ये आपका आंसर हो गया। हेडिंग क्या लगाओगे? सबसे पहले हेडिंग होगी आपकी त्रिविमीय निबिड संकुलन, फिर दूसरी हेडिंग क्या होगी? ये होगी द्विविमीय वर्ग निबिड संकुलन से त्रिविमीय घनीय निबिड संकुलन बनाना। और इस डायग्राम को बनाने के बाद में इसके नीचे लिखना चित्र त्रिविमीय घनीय निबिड संकुलन, ठीक है। इस तरीके से अपने बनाएंगे, बात क्लियर हुई? इसको आप अलग से समझ सकते हो,
ये बना लिया होगा आपने इत्र वाला, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। कैसे? कि इसको अगर मैं अलग करके बना दूं तो आप इसकी स्ट्रक्चर को केवल बोर्ड एग्जाम के अंदर इतने इतना ही बना सकते हो। इन चारों को मिलाएंगे सबसे पहले, इसके पीछे वाला ये हो गया, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी, और इसके पीछे ये हो गया, ये इतना आप बना सकते हो, इतना काफ़ी है, सफिशियंट है ये चीज़। नेक्स्ट अपने पास आता है कि देखो, हमने द्विविमीय वर्ग निबिड संकुलन से त्रिविमीय गणीय निबिड संकुलन बना लिया, परंतु ये स्ट्रक्चर अपनी बाकी बचेगी। इसको ध्यान से समझना है, इस वाली स्ट्रक्चर को देखिए, इसकी अरेंजमेंट क्या होती है। इसके त्रिविमीय बनाएंगे तो इसके आगे अपने लगातार आगे या पीछे कहीं भी सेम डिटो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने गोलों की, और उसको लगातार आगे और पीछे रखते जाएंगे। देखिए कैसे, इसको आप ऐसे बना लेना, ध्यान से समझना। आप दो पेन का यूज करना या तीन पेन का यूज करना, इसको आप ऐसे बना सकते हो जैसे थोड़े से सफ़ियर है उनको बड़े साइज के ले लेना, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इस तरीके से दूसरी परत के गोले प्रथम परत की कहाँ पे आ गए, खांचों के अंदर। इस तरीके से आप इनको बनाओगे, बात क्लियर हुई? इस तरीके से इनकी अरेंजमेंट होती है। अब देखो लगातार इसी प्रकार के गोलों के अपने आगे और पीछे रखेंगे, आगे पीछे रखेंगे तो नेक्स्ट जो लेयर होगी वो यहाँ पे आएगी बेटा, इस तरीके से, इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से, आप अपनी रफ कॉपी के अंदर दो टाइप के पेन लेकर बनाओगे ना तो ये चीजें एग्जैक्ट आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से सफियर बनते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप एक चीज़ गौर कीजिए कि अपने पास ये खाली जगह है कि नहीं है, भी ये गोला है, ये गोला है, ये गोला है, ये तीन गोले हो गए, तीनों के बीच में ये खाली जगह है। खाली जगह, ये जो खाली जगह है उसका नाम हम क्या देते हैं, रिक्ति नाम देते हैं। क्या देते हैं? रिक्ति। यानी कहने का मतलब, आपको अगर त्रिविमीय निबिड संकुलन ध्यान से समझना है तो पहले इस चीज़ को समझना होगा। एक आपको ये जो रिक्ति दिखाई दे रही है, इस रिक्ति पे गौर कीजिए, बात समझ में आई है? और दूसरी किस प्रकार की रिक्ति है, आप इसी चीज को यहां पे मेजर करो। यहां पे एक तो आपको रिक्ति जो खाली जगह है वो ये दिखाई दे रही होगी, ये जिसमें त्रिभुज या त्रिभुज है उसका सिर नीचे की ओर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आप यहां पे भी गौर कीजिए, यहां पे गौर कीजिए, ठीक है। ये गोला इस तरीके से आएगा तो इसकी स्ट्रक्चर एग्जैक्ट बन जाएगी। तो यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक का सिर नीचे की ओर है, एक का सिर ऊपर की ओर है, और ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, रिक्ति, यानी क्या बोलते हैं, वॉइड, ठीक है। तो अपने पास कितने प्रकार की रिक्तियाँ बन गई, एक तो ऐसी रिक्ति जिसमें त्रिभुज का सिर नीचे की ओर है, और एक में त्रिभुज का नीचे की सिर है वो नीचे की ओर और ऊपर की ओर दोनों तरफ है। तो ये चीज़ यहाँ पे नोट करो आप, ये बनी कैसे, बनी कैसे, तो दो गोले नीचे और एक उसके ऊपर है, ठीक है। तो इसको अपने अलग से बनाते हैं, इस तरीके से बना दिया। ये वाली जो रिक्ति है वो इस तरीके से आ गई यहाँ पे, ये त्रिभुज के समान है, तो इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, इस तरीके से भी बना सकता हूँ, और इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज के समान होगी। अब इसके ऊपर ये जो रिक्ति है नीचे बनी हुई है, इसके ऊपर मैंने एक गोला इस तरीके से रख दिया, ठीक है। तो सेम मैं करता क्या हूँ, एक गोला यहाँ पे भी रख देता हूँ। अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये देखो, ये जो तीनों नीचे वाले जो गोले हैं वो आपस में इस तरीके से गोलाई में एक दूसरे के साथ
मिल रहे हैं, गोलाई में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो ये ऊपर वाला गोला भी गोलाई के अंदर इस तरीके से मैच करेगा सभी के साथ, जिसको हम क्या करेंगे यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं इस तरीके से। और ये जो डॉटेड लाइन से मैंने शो किया है, ये ऊपर की ओर उठा हुआ भाग है या पीछे की ओर गया हुआ भाग है। इस रिक्ति का नाम क्या है? चतुष्फलकीय रिक्ति। क्या नाम है? चतुष्फलकीय रिक्ति। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनी, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। और इस टेट्राहेड्रल वॉइड की समन्वय संख्या कितनी होती है? तो समन्वय संख्या होती है चार, सॉरी, समन्वय संख्या कितनी होती है? चार होती है, ठीक है। तो चतुष्फलकीय रिक्ति किस प्रकार से बनी? अगर आपसे पूछे कि रिक्ति कितने प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की बताओगे आप? रिक्ति होती है कितने प्रकार की? दो प्रकार की। नेक्स्ट अपने देखते हैं ओक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनती है, ठीक है। तो ओक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर देखिए आप, पहली चीज ये किस तरीके से बनी, यहाँ पे गौर कीजिए, दो गोले नीचे हैं एक ऊपर है, ठीक है। दो गोले नीचे हो गए और एक गोला ऊपर हो गया, यानी यहाँ पे जो त्रिभुज बना है उसका सिर कहाँ पे है? नीचे की ओर है, उसका सिर नीचे की ओर है, इस तरीके से। बात क्लियर हुई? दूसरी चीज, यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट है, इस चीज को आप यहाँ पे मेजर करना, और यहाँ पे ये जो त्रिभुज का सिर आ गया वो ऊपर की ओर आ गया इस तरीके से। समझ में आ गई बात? ये रिक्ति बनी है, ठीक है। इस चीज को मैं ऐसे बना सकता हूँ, एक त्रिभुज जिसका सिर नीचे की ओर है और दूसरा त्रिभुज जिसका सिर ऊपर की ओर है, इनको यहाँ पे अपने मिला देंगे तो ये किस प्रकार की स्ट्रक्चर बनी है, किस प्रकार की संरचना बनी है? तो ये बनी है बेटा अष्टफलकीय संरचना, और इस रिक्ति का नाम क्या हो गया? अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है। और अष्टफलकीय रिक्ति कैसे बनी है, इसको आप, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और इसकी जो समन्वय संख्या होती है, वो समन्वय संख्या होती है छः। ये कैसे बनती है, किस प्रकार से बनती है, आप इसको एक बार ध्यान से समझना, पढ़ना। तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के अंदर हमने एक घनीय निबिड़ संकुलन पढ़ा है, उसके बाद में हमने द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाएंगे। वो किस प्रकार से बनाएंगे, उससे पहले अपने को ये डायग्राम ध्यान से समझना है। इसको हम बोलते हैं ओक्टाहेड्रल वॉइड, ओक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे आप गौर करना एक बात का कि ये कौन सी है, टेट्राहेड्रल वॉइड, टी लिख दिया, यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ पर आप नोट करोगे तो आपको ओक्टाहेड्रल नजर आएगी। ये वापस से टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल, यहाँ भी टेट्राहेड्रल बनेगी और ये क्या बनेगी, ओक्टाहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। जब दो टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है तो एक ओक्टाहेड्रल वॉइड बनती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, नेक्स्ट अपने आएगा। तो त्रिविमीय निबिड संकुलन अपने पढ़ेंगे जब द्विविमीय से, तो उससे पहले अपने को दोनों प्रकार की रिक्तियां पढ़नी पड़ेगी कि चतुष्फलकीय रिक्ति कैसे बनती है और अष्टफलकीय रिक्ति कैसे बनती है। आप इतने आज की क्लास में आप इतना ही पढ़ना, इसके डायग्राम बनाना, दो अलग अलग या तीन प्रकार के आप पेन लेना, उनसे बार बार बनाने की कोशिश करना। जब ये चीज आपके समझ में आएगी तो नेक्स्ट टॉपिक आपका बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।